तो शी हैड ए लॉट ऑफ चैलेंज टू सेंसिबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर ऑफ गंगा एंड बट शी पोर्ट्रेट इट सो ब्यूटीफुली बिकॉज यू अंडरस्टूड कि ये कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है आपने गांव में बचपन में शहरों में छोटे टाउन में भी देखा है बहुत अच्छे तरीके से निभाया दूसरा चैलेंज इनके सामने एक और भी था कि शाहरुख खान एक बहुत बड़े स्टार थे उस वह बन चुके थे तो उनके सामने परफॉर्म करना पुरी थे बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स थे और मैंने इनसे कहा कि तुम बच्चे बन के रहोगे तो कॉन्फिडेंस से काम करोगे और वही हुआ इन इसने कभी ये महसूस नहीं किया कैमरे के सामने कि मेरे सामने शाहरुख है या अमरीश जी हैं या कोई वेटरन एक्टर है तो शी वॉज ऑलवेज़ प्लेइंग चाइल्ड वाइल डूइंग ए परफॉर्मेंस कभी कभी सीरियस सीन करते करते भी हंस पड़ती थी <laughs> और कभी हंसते हंसते रो भी पड़ती थी तो एक अपना ही इनका अंदाज़ था लेकिन वही जो नेचुरल जो फ्लेवर था जो असली आत्मा थी इनकी वही आत्मा उस फिल्म में नजर आती है गंगा के रूप में क्या क्या कौन सी ख़ास बात लगी आपको महिमा में जब आपने पहली बार उसको देखा कौन सी ऐसी चीज़ एस्ट्रा क्योंकि यही मेरी गंगा होगी जब ये आई तो मेरे ऑफिस में तो इन्होंने एक बड़ा वेस्टर्न टाइट बॉडी सूट पहना हुआ था उसी वहाँ पर <laughs> और चश्मा रात के टाइम आठ बजे भी ऐसे ही खोला था हेलो मिस्टर घाई आई एम रितु तो मैं तो समझ गया था कि भाई ये तो हो नहीं सकती हमारी गंगा तो मैंने बोला लेकिन कंसे से एक बिठाना चाहिए चाय पीनी चाहिए तो चाय पिया मैं गप्पे मारने लग गया इनकी सिस्टर भी थी तो आम तौर पे जब आप बातें करते हैं तो आदमी नेचुरल हो जाता है तो ये भी और थोड़ा नेचुरल हो गई और उसके बाद मैंने एक ही चीज़ इनके अंदर देखी एक तो इनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत है जो कि बहुत एक्सप्रेसिव हैं जब भी ये बात करती थी तो इनकी आंखों से एक्सप्रेशन बहुत अच्छा आता था दूसरा जब ये बात करते करते उस वक्त इंग्लिश में ही बात कर रहे थे हम लोग लेकिन जब हंसती थी तो खिड़कियाँ हिलने लग जाती थी <laughs> तो इनका लाफ्टर इतनी ज़ोर से आता था कि बाहर वाला कोई समझ रहा कि बड़ी जल्दी दोस्ती हो गई <laughs> ऐसा वो एक रियल था उसमें एक सोल थी भाई ये दो चीज़ें मैंने देखी और मैंने अपने असिस्टेंट को बुलाया कि कल इनको बुलाइए मैं इन्हीं को शायद फाइनल करूँगा तो उन्होंने मुझे कहा असिस्टेंट ने मुझे पूछा मैं आज मैं बताना चाहता हूँ कि सर वो तो वेस्टर्न लड़की है वो एम की लड़की है एंकर है मॉडल है वो हमारी गंगा कैसे कर सकेगी गंगा का स्क्रिप्ट तो अलग ही बोलता है कि बहुत भारतीय भारतीयता से संपूर्ण लड़की है मैं बोला देखना यही करेगी बिकॉज ये अंदर से भारतीय है ये ऊपर का गेटअप है कुछ सालों का जैसे कि हम बच्चों का इन्फ्लुएंस हो जाता है हमको और वही चाहिए बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गो टू अमेरिका तो ये अभी प्रैक्टिकली जा रही है लेकिन मुझे वो आत्मा जो है वो गंगा भी ऐसी चाहती है तो जब ये फॉरन में जाएगी तो भी वैसे ठीक लगेगी और यहाँ भी ठीक लगेगी बाकी मैं चुन्नी वुन्नी डलवा दूंगा <laughs> और उसको परफॉर्मेंस में करा लूंगा अच्छा इज एन ट्रू महिमा दैट आपको वेल well, महिमा चौधरी तो बनाए इन्होंने लिटरली महिमा बनाया आपका ओरिजिनल नाम रितु है सो प्लीज एक्सप्लेन वो रितु से महिमा कैसे बना जी हाँ उस वक्त एक और भी आर्टिस्ट थी रितु शिवपुरी हाँ तो मैंने इनसे कहा कि देखिए दूसरी आर्टिस्ट भी हैं तो ऐसा ना हो कि कन्फ्यूज़न हो कि मैं किस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो अगर आप चाहें तो एक नया नाम आप सुझाव कर सकते हैं एंड मेरे ख्याल में ये नाम आपकी मम्मी ने दिया था इफ़ आई रिमेम्बर महिमा करके तो जब एम yeah. से शुरुआत कीजिए इन्होंने yeah. कहा कि आपको एम से चाहिए बिकॉज माधुरी है मनीषा है मैं बोला हाँ एम लकी है क्योंकि मेरी वाइफ का नाम भी मुक्ता है मेरी कंपनी का नाम भी मुक्ता है मेरी माँ का नाम भी माँ है तो एम अच्छा है <laughs> <laughs> नहीं और इन्होंने कहा मेरी एक टेलीविजन कंपनी है डी से वो मैं अगले महीने बंद कर रहा हूँ हाँ। <laughs> <laughs> वो दैट वॉज अ फ्राइटनिंग मोमेंट और किसी से नहीं होना चाहिए एम से होना चाहिए अच्छा इसने अमेजिंग कि आपने अपना 80 करियर लक्ष्मीकांत प्यारलाल हुआ लाइक द स्टॉलवर्ट्स और वो आपके फिल्मों की बुनियाद थे म्यूज़िक की बुनियाद थे और उसके बाद शायद पहली बार था बिकॉज राइट आफ्टर खलनायक कि आपने आउटसाइड लक्ष्मीकांत प्यार अपने मुख्तः आर्ट्स में किसी को लिया था और वो थे नदीम श्रवण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो मेरे फिल्मों के हमेशा अभिन्न भाग रहे हैं right. और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आत्मा भी रहे हैं मेरी फिल्मों के आज भी हैं आप फिल्में देखते हैं लेकिन ये उस वक्त ये ऐसा कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं खलनायक के बाद हमारी फिल्म थी त्रिमूर्ति राइट right. तो वो चली नहीं थी right. और किसी न किसी न किसी कारण मैं देखता था कि लक्ष्मीकांत पेरेलाल जो हैं वो आपस में ही उनकी आपस में संकट शुरू हो गए थे जब संकट शुरू होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी में फ़र्क पड़ता है परेशानियां शुरू होती हैं तो तब उस वक़्त सर एक नौजवान जो थे कंपोज़र जिनके पास पूरी एनर्जी थी और एक समझ थी वो नदीम शरावन थे तो फिर मैंने इनको बुलाया और कहा कि ऐसे एक फ़िल्म है मैं एक्चुअली मैं एज ए फिल्म मेकर मैं ज़िंदगी नई से शुरू करना पड़ चाहता था कि मैं चाहता था कि जितनी पुराने लोग हैं और जो पुरानी जॉनर है मैं हमेशा एक विलन की फिल्म बनाता था हीरो टाइप की फिल्म बनाता हीरोज थे आज मैं एक नई तरीके की घरेलू फिल्म बनाता हूँ भारतीय सभ्यता की फिल्म बनाता हूँ एक लड़की की कहानी बनाता हूँ तो इसमें मेरे आसपास के लोग भी जो हैं वो नए होने चाहिए ताकि हमारी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी नए तरीके से हो तो मैंने कहा कि भारतीय जो म्यूज़िक बना सकते हैं वो नदीम शरा हैं तो मैंने इनको बुलाया और इनको फिर मैंने कहा कि मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ और कहानी सुनाई मैंने और जो म्यूज़िक इन्होंने दिया है वो आपके सामने है प्रदेश के में म्यूज़िक का योगदान बहुत है अगर आज वो 20 साल तक भी टेलीविजन पर जिंदा रहे जिंदा है तो उसमें म्यूज़िक का और बहुत सी चीज़ों का लेकिन म्यूज़िक का और बख्शी जी का बहुत बड़ा हाथ है श्रवण साहब हाँ जी सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सुभाष जी का बिकॉज़ मैं बहुत बड़ा बहुत बड़े फ़ैन थे हम दोनों नदीम भाई और श्रवण जो हैं सुभाष जी के इतने बड़े फ़ैन थे कि सुभाष जी की जितने भी गाने हैं वो सब हम लोग हज़ार हज़ार बार सुनते थे मतलब लक्ष्मीकांत पैरलाल जी के साथ जो कॉम्बिनेशन सुभाष जी का आता था वो उसने हमें बहुत सिखाया है और सुभाष जी के साथ काम करने की बड़ी इच्छा थी बड़ी तीव्र इच्छा थी और बस ऊपर वाले ने जो है ये ऐसा खूबसूरत मौका पैदा किया कि सुभाष जी का जिस दिन फ़ोन आया कि भाई नदीम श्री श्रवन जी आप लोग आ जाइए हम साथ में काम करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि हम दोनों की खुशी का पार नहीं था बिल्कुल कि भाई सुभाष जी के साथ काम करना मे करने का चांस है जब सुभाष जी ने गाने अपने कहानी सुनाई तो बस कहानी के साथ साथ ही दिमाग में कुछ गाने जो है वो अपने आप उभरते चले आए और सुभाष जी का बहुत ही योगदान है सारे गानों में बिकॉज सुभाष जी वॉज़ वेरी क्लियर कि उन्हें क्या चाहिए चाहे वो जहाँ पिया वहाँ मैं वो जो गांव का गाना है खेतों और खलियानों में जो महिमा जी गाती हैं चाहे वो गाना हो चाहे दिल ये दिल सोनू निगम जी का जन्म जहाँ से हुआ कि सोनू जी को एक अलग स्टाइल से अपने को गवाना है श्रवण वो ऐसा होना चाहिए कि एक अमेरिका के रेडियो से वो लड़का गाना गाता है तो उसकी सिंगिंग जो है वो कैसी होगी तो ज़्यादातर सोनू जी सॉफ़्ट और रफ़ी साहब को फॉलो करते थे लेकिन इस गाने में आपने देखा है कि सुभाष जी के एक अंदाज़ है उसका एक स्पेशल अंदाज़ है सोनू निगम का जो बहुत ही वाइब्रेंट है और उसी के वजह से आज सोनू निगम सोनू निगम इनफैक्ट इस फिल्म में जो आपका स्टाइल भी था जी आपकी बाकी फिल्मों के स्टाइल से बहुत ही मुख्तलिफ था आ, बस वो यही रीज़न थी कि ये गंगा जब अमेरिका जाती है हाँ। तो गंगा तो हिंदुस्तान की है और वो जब अमेरिका जाएगी तो क्या होगा तो हमें अमेरिकन कल्चर और गंगा हिंदुस्तानी कल्चर दोनों को कॉम्बिनेशन में हमें रहना था और मैं बताऊं कि बस सुभाष जी डायरेक्ट करते चले गए और गाने बनते चले गए और जब ये गाने सारे रिकॉर्ड हो गए तो उसके बाद जब हमने भी एनालाइज किया कि ये गाने नदीम श्रवण के गानों से बहुत ही मुख्तलिफ है और बहुत अलग इसका लेवल चला गया है तो अब यहाँ से चैलेंज और बढ़ जाती है कि आगे क्या करेंगे पहली बात तो ये थी कि पहली बार हम आनंद बख्शी साहब के साथ भी काम कर रहे थे बख्शी साहब भी बहुत अच्छे इंसान थे वो सुभाष जी को बहुत अच्छे से समझते थे अब मुझे याद है एक बार बख्शी साहब के घर में हम लोग बैठे हुए थे और सुभाष जी ने जब वो सिचुएशन सुनाई कि भाई हनुमान और अ, राम और अ, सीता ये तीनों का सिचुएशन है राम और सीता जो है वो रोमांस कर रहे हैं और हनुमान से सीता का प्रेम हो जाता है तो वो इतना नाराज हो गए कि सुभाष जी ये तो गलत सिचुएशन है अब <laughs> कोई गाना नहीं बन सकता तो सुभाष जी बिल्कुल नाराज होके मुझे श्रवण उठो यार चलो यहाँ से हम लोग तो बख्शी साहब का मतलब वो झगड़ा ऐसा हुआ कि सुभाष जी बोले उतरो नीचे चलो चलो तो हम लोग तो नीचे आ गए नीचे आके सुभाष जी मुझे बोलते कि श्रवण तुम चिंता मत करो अब देखना कल कितना कितने मुगड़े अपने अपने को बख्शी साहब सुनाएंगे और वही हुआ दूसरे दिन सवेरे 11 बजे उन्होंने बुला लिया और उन्होंने लिखा कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके अब देखिए देखिए क्या बात है कि राम और सीता का गुण जो है वो हनुमान जी गा रहे हैं आ शाहरुख खान वो हनुमान एंड वो रोमांटिक गाना गा रहा है लेकिन सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुप